नमस्कार, आप जुड़ चुके हैं जम्मू लद्दाख विजन के साथ और ये तस्वीरें इस समय आप देख रहे हैं जम्मू के मुट्ठी इलाके की, जहां पर कल शाम 17 वर्षीय एक युवक जो एयरटेल कंपनी में काम करता था और उसकी मृत्यु उस वक्त हुई जब वो एयरटेल के टावर पर चढ़कर रिपेयरिंग का काम कर रहा था। उसी वक्त वहां से उसका पांव स्लिप हुआ और वो नीचे आकर गिरा और उसकी मृत्यु जो है उस एयरटेल के टावर से गिरने की वजह से हुई। उसके बाद पूरे घर के और इलाके के अंदर मातम सा माहौल बन गया है, क्योंकि घर का एक लौता जवान बेटा जो है, जो घर का कमाने वाला एक सदस्य था, जिसके कंधे पर रोजी रोटी घर की चलती थी, वो एक हादसे में नहीं रहा। लेकिन किसी भी प्राइवेट कंपनी में अगर आप काम करते हैं तो उनकी कुछ पॉलिसीज़ होती हैं और उन्हीं पॉलिसीज़ के तहत पर सीधे तौर पर जो एम्प्लॉयर होते हैं वो कहीं ना कहीं उनका इंश्योरेंस होता है या बाकी किसी तरह के जो बेनिफिट्स होते हैं, अगर काम करते वक्त किसी व्यक्ति की मृत्यु होती है तो उसे वो दिए जाते हैं। लेकिन यहाँ पर एयरटेल कंपनी की तरफ से ऐसा कुछ भी, जो विक्टिम फैमिली है, जो मृतक की फैमिली है, उसको कोई भी किसी भी तरीके का मुआवजा नहीं देने की वजह से जो लोग हैं वो गुस्से में हैं। और इस समय आप देख सकते हैं कि मृतक का शरीर जो है, पार्थिव शरीर, उसको सड़क पर रखकर रोड पर उन्होंने पूरी तरह से सड़क को ब्लॉक कर दिया है और उनका एक ही मांग है सीधे तौर पर कि जब तक एयरटेल कंपनी के लोग यहां पर पहुंचकर आश्वासन नहीं देते इस बात का लेकर कि जो पूरा खर्चा है, जो पूरी जिम्मेवारी परिवार की है, वो एयरटेल कंपनी उठाएगी, तब तक ये लोग मानने वाले नहीं हैं और इनका विरोध प्रदर्शन लगातार इसी तरह से जारी रहेगा। लगातार जो है वहाँ पर पुलिस के कर्मी जो हैं वहाँ पर पहुँचे हैं और वो कहीं ना कहीं इस पूरे माहौल को शांत करने की कोशिश में कर रहे हैं लोग। लेकिन लोग इतने ज़्यादा गुस्से में हैं कि लोग कदापि जो है वो किसी की बात सुनने के लिए राजी नहीं है और लगातार यहाँ पर जो है नारेबाजी करते हुए सरकार के खिलाफ, प्रशासन के खिलाफ और एयरटेल कंपनी के खिलाफ जो है वो अपना रोष प्रदर्शन सीधे तौर पर दिखा रहे हैं। और यहाँ पर तस्वीरें जो आप साफ तौर पर देख रहे हैं, ये मुट्ठी के इलाके की तस्वीरें हैं और इन लोगों का कहना है क्योंकि इनका बेटा एयरटेल कंपनी में जो है वो कार्यरत था, वहाँ पर काम कर रहा था, लिहाजा एयरटेल कंपनी की ये जिम्मेवारी बनती है कि जो कुछ बेनिफिट, जो कुछ मुआवजा उनके परिवार वालों को मिलना चाहिए वो यहाँ पर कंपनी की तरफ से इन्हें प्रोवाइड करना चाहिए। पुलिस भी लगातार इनको समझाने बुझाने की कोशिश कर रही है लेकिन ये लोग किसी भी कीमत पर इस समय मानने के लिए तैयार नहीं है। और इनका साफ तौर पर कहना है कि जब तक एयरटेल कंपनी के लोग यहाँ पर आकर खुद मीडिया के सामने और प्रशासन के सामने इस बात को नहीं कबूलेंगे कि इसके इस ये एयरटेल कंपनी में काम करता था और इसका जो भी या फिर जो एक्सक्रेशिया बनता है वो एयरटेल कंपनी जो है वो बेयर करेगी और परिवार को इस मुश्किल की घड़ी में कहीं ना कहीं एक आर्थिक मदद जो है वो मुहैया करवाई जाएगी। क्योंकि सीधे तौर पर इनका एक मात्र ये लड़का जो है, जो कमाने वाला था, जिसके सिर पर जो है ये पूरे परिवार का घर का खर्च चल रहा था, पिता का भी यही कहना है कि जब तक एयरटेल कंपनी यहाँ पर आकर उन्हें आश्वासन नहीं देगी तब तक वो अपना विरोध प्रदर्शन नहीं हटाएंगे। क्या कुछ कहना है पिता का, आइए आपको सुनाते हैं। मैं हूँ उसका बाप लड़के का, मेरे लड़के की डेथ हुई है, ठीक है, देखो पूरा देखो, इधर जाइए कंपनी वाले, नहीं तो हम डोर रो, हाँ मीडिया के सामने, कंपनी वाले मीडिया के सामने चाहिए, पूरी पब्लिक के सामने। ये हादसा जो हुआ, ये बहुत बुरा हादसा हुआ है, मेरी बात सुनो, और इससे मेरे जो 60 नंबर के वार्ड के जितने भी पब्लिक है वो जहाँ आज खड़ी है वो सभी दुखी हैं बेचारे कि ये जो गरीब परिवार है, जो होना था वो तो हो गया लेकिन इनके साथ इंसाफ किया जाए। कंपनी का कोई आदमी अभी तक यहाँ आया नहीं है, हमें सबसे बड़ा दुख यही है कि वो क्यों नहीं आए, उनको आना चाहिए था, इनको आश्वासन देना चाहिए था तो हम इनको रोड से पीछे हटा देते, लेकिन कंपनी का कोई आदमी अभी तक आया नहीं। सुनो एयरटेल के जो सीनियर है मेरे, जहाँ मेरा भाई काम करता है, वो इस टाइम यहाँ होने चाहिए। अभी आपको पुलिस ने क्या आश्वासन दिया, आप क्या मांग करते हैं? वो थाने में है, थाने में क्या कर रहे हैं, होने चाहिए। अब आप क्या डिमांड करते हैं सरकार? हम ये कर रहे हैं वो इस टाइम यहाँ चाहिए, जो भी होगा यहाँ इंसाफ होगा। Oh!
क्या मांग कर रहे हो?